गाइस वन सेकंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से एक नया ब्लॉग लेके आए हूं मैं और एपिसोड नंबर 4। तो ये बताओ कौन कौन सी फिर बाहर से देख सकते हो ये जैकेट से बाहर से दिखा दो ठीक है। इनमें के भी बाहर से दिखा दो ये जैकेट अंदर से जाना है जैकेट अंदर जाना है बहुत ज्यादा लेकिन वो रास्ते से बाहर से दिखा देंगे। इंदिरा गांधी म्यूजियम देखना है वो भी दिखा देंगे ठीक है। लास्ट में कहाँ छोड़ना है आपको स्टेशन और जितने डालना और आपको पहचान होगी तो रास्ते के अंदर अगर आपको फील होता है यूटर लास्ट को ये भी अनदर ऑटो ड्राइवर आए में प्रेम में आई डोंट वांट फाइनली अंकल के साथ उठ के अभी हम लोग जाएंगे तो सारी जगह अंकल से करा देंगे। तो अंकल के साथ बात करते हो ये इंडिया के देखिए एक मिनट बात किया है ना हम भी इतना नॉलेज नहीं है। फाइनली ऑटो हो चुका है हम लोगों का और जाएंगे और अंकल के हम लोग सब घुमा के देंगे कहाँ कहाँ जाना है क्या 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 करना है अंकल जी सब बता देंगे। चलिए और अभी इंडिया गेट की ओर चलते फाइनली मैं एंट्री कर चुका हूँ इंडिया गेट पर। तो अभी इंडिया गेट के अंदर घुस रहा हूँ एंट्री हो चुकी है मेरी और मेरे पीछे इंडिया गेट तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और कैसे क्या लगते हैं अच्छे लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना क्योंकि ना इतना कष्ट करके मैं बहुत ही कष्ट करके यहाँ तक आया हूँ। तो आप लोग आशा करता हूँ मुझे प्यार करेंगे और ज़्यादा प्यार करेंगे बोल के चलते चलते और आगे जाके देखते तो कैसे क्या है। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ तो आप लोग भी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ तो चले चलते और देखते आगे। फाइनली मेरे पीछे देखिए ये क्या है गाइस मेरे पीछे देख रहे ना इंडिया गेट। तो मैं फाइनली एंट्री कर चुका हूँ तो मैं अभी आप लोगों को पीछे बैक कैमरा से दिख रहा हूँ नज़ारा तो आप लोग बैक कैमरे का नज़ारा लीजिए। तो कैसे क्या लगता है ज़रूर बताना गाइस एक आप लोगों का एक कमेंट की वजह से ना मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। तो अच्छे लगने से अच्छा बोलना और ख़राब लगने से ख़राब अच्छा नहीं है वो बोल देना। और मेरे पीछे ये देखिए और आप लोग बैक कैमरा का नज़ारा से देखने का कोशिश कर रही है तो कैसा लगता है ज़रूर बता। फाइनली ये देखिए गाइस नज़ारा ओ माय और ये क्या है गाइस ओह इतना सुंदर हवा दे रहा है ना गाइस मत दे रहा है यहाँ तक पानी आ रहा है कहाँ से पानी आ रहा है माय गॉड ओह ये गाइस ये देखिए कहाँ से आ रहा था मुझे पता ही नहीं चल रहा था। ये देखिए और भी दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को वीडियो में बने रहे स्किप मत करना गाइस स्किप करने से आप लोगों का लॉस होगा वो मुझे पता है। चलिए और देखते हैं। और गाइस मेरा भाभी ना यहाँ से वीडियो कॉल से देख रही है देखिए मेरा भाभी वीडियो कॉल से ही इंजॉय करती हुई तो आप लोग भी वीडियो से ही इंजॉय करना क्योंकि वीडियो कॉल में इंजॉय करना और मैं देखा और आप लोग देखा ना सेम ही होता है। तो भाभी भी वही सोच रही है कि मैं देखा वो देखा ना सेम ही सेम सेम है मेरा आँख से देखा और आप लोगों का आँख से देखा वो बात एक ही है कि नहीं बोलिए गाइस। गाइस इतना सुकून मिल रहा है ना मत नहीं बोलो यार बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके ये देखे ना ओ माय गॉड यार मेरे पीछे इंडिया गेट मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मेरे सामने इंडिया गेट है यार मतलब बिलीव नहीं हो रहा है। तो मेरे पीछे इतना पानी ये देखिए वो और आगे अच्छा अच्छा नज़ारा दिखाऊंगा वीडियो को स्किप मत करना देख कर ये इंडिया गेट के सामने ना रास्ते है तो रास्ते से गाड़ी इतना सुंदर तरीके से जा रहे और मैं आप लोगों को सिनेमेटिक शॉट दे रहा हूँ एक आप लोग जरूर देखना जरा इस प्रकार से हम लोग इंडियन आर्मी यहाँ पे सुरक्षा देते हुए यहाँ पे इंडियन आर्मी की वजह से हम लोग यहाँ पे सीआरपीएफ इंडियन आर्मी इंडियन नेवी सब कुछ यहाँ पे रहते हैं तो दिल्ली पुलिस भी है और इस प्रकार से गाइस ये देखिए रिएक्शन देखिए गाइस देखिए हमारे सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम फाइटर ना अच्छी सुंदर मतलब हवा दे रहा है ना ये मतलब मत ही बोलेगा यहाँ का नज़ारा है गाइस कैसे लगे कमेंट करके बताना मत
घूमना है और मेरा बैटरी लो हो चुका है, तो 20% ऑनली है, तो किसी एक होटल पे जाके चार्ज करवाना पड़ेगा मोबाइल भी और खुद को भी। तो मेरा ये आउटफिट पे कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप लोगों को पता चल चुका होगा मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, तो बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ, लाइफ में इंजॉय करना ज़रूरी है यार, आप लोग भी करना एक दिन ज़रूर, और आशा करता हूँ आप लोग भी एक दिन मेरा वीडियो देख के आप लोग भी आओगे, क्योंकि बहुत ही देखने का चीज़ ना, घर से बाहर निकलने के बाद ही पता चलता है कि गाँव मतलब गाँव छोड़ के बाहर आने के बाद पता चलता है कि देखने का मतलब क्या क्या देखना चाहिए और क्या क्या बहुत कुछ सीखने को मिलता है बाहर आने के बाद में। गाइस मुझे भी अभी पता चलती है, चला लाइफ में पहली बार घर से बाहर आया हूँ ना, तो मतलब दूर तक भी घर से उठ के कभी भी नहीं आया, तो ये मेरे पीछे देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी है, तो और मेरे साथ मैं यहाँ तक आने का भी मकसद ना मतलब मैं खुद नहीं आया, मुझे भी किसी ने लेके आया, आप लोगों को पता चल चुका होगा किसने लाया, ये देखिएगा मान भैया के द्वारा ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं तो मैं आज तक यहाँ मैं सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, और मैं ना यहाँ पे आने का भी कोई प्लानिंग ही नहीं था कि जस्ट भैया बोला कि चलो ऐसा काम है तो जाके आना है, तो गया काम मतलब थोड़ा सा भैया का काम था, तो काम भी कम्प्लीट हो चुका है, तो उसके बाद में अभी हम लोग आज घूम रहे, तो घूमने के बाद में अभी जाएंगे लोटस टेम्पल, वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन ये ना गाइस एपिसोड में मिलेगा, कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लास्ट में कमेंट करके बताने के लिए मत भूलना, क्योंकि आपका एक कमेंट से ना मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो अभी के लिए तथा बाय बाय, फिर से नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, क्योंकि मेरा ऑटो वाला वहाँ पे रुक रहा है, हम लोगों को नहीं तो मज़ा आएगा, तो चलिए चलते और पेट पूजा भी करते हैं, क्लास में मोबाइल का चार्ज भी करते हैं, खुद भी चार्ज होते हैं, और हमारे पीछे सात जी लोग हैं यहाँ पे, देखा सात जी लोग भी है, तो अंकल जी मिलाए वहाँ पे, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस है मेरे पीछे,